किस पे करे तस्वीर का। आ गही दामे शनिदन जिस कदर चाहे बिछाए, आ गही दामे शनिदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुदा अन का है अपने आलम तकरीर का। अब सबकी तालीम की भरपूर गूंज में मैं असातुल साजा जनाब रईस मुमताज मुस्तफा साहब को दावत खिताब दूंगा कि वो आएँ और अपने इल्म से हमें मुनव्वर करें। थैंक यू। करम तेरा के बेजौहर नहीं मैं, गुलामे तुगरलो संजर नहीं मैं। जहां बीनी मेरी फितरत है लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं। सदर मोहतरम आली वकार जनाब, खूबसूरत नाम वाले खूबसूरत सेशन जज साहब, सरदार अब्दुल बासित खान साहब मेंबर पंजाब बार काउंसिल, फाजिल जज साहबान, ख्वातीन और नौजवान वकला, मकामे तहसीन है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज़ का तकाजा कर रही है कि न्यू एंट्रेंट्स को प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड बिहेवियरल एटिकेट्स जो हैं उन पर रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएं और उन्हें तैयार किया जाए कि वो इस सोसाइटी में एक कामयाब जज या वकील के तौर पर सोसाइटी में अपना मुअस्सर रोल अदा कर सके। सब खुदा के वकील हैं लेकिन आदमी का कोई वकील नहीं। तुम बहुत जाज़िबो जमील सही, जिंदगी जाज़िबो जमील नहीं। न करो बहस हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। जिंदगी के रंगीनियां और हुस्न व ज़ेबाइश कोई हैसियत नहीं रखते अगर आप में जिस प्रोफेशन में आप हैं उस हुनर में आप यकता नहीं हैं। आप देखते हैं कि एक दर्जी बहुत अच्छे कपड़े सीता है तो आप जहां भी हों वापस आकर अपने कपड़े उसको देते हैं कि वो सी के दे। महारत जो है वो हमेशा रिकॉग्नाइज की जाती है। बशारत साहब ने और मोहतरम जज साहब ने एटिकेट्स ऑफ प्रोफेशन और सिविल लॉ की बाइबल CPC के हवाले से निहायत रेलेवेंट किस्म की मुदल्लल और आम फहम जबान में आप हजरात को और हमें मुस्तफीद फरमाया है। शख्सियत साजी पर बयान के वक्त मैं सोच रहा था कि शख्सियत एक जादू के डब्बे की मानद होती है।
डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ये तह दर तह डब्बों में लिपटी हुई होती है। पता जब चलता है, जब आजमाइश का वक्त आता है। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक गवाह पेश हुआ। आपने फरमाया, तुम शहादत ये देने आए हो कि मैंने इसे नमाज पढ़ते देखा है, वुजू बनाते देखा है, सजदे में रोते देखा है। उसने कहा हाँ। आपने कहा नहीं, बताओ कि कभी इसकी हमसायगी में रहे हो, कभी इसके साथ सफ़र किया है, कभी इससे लेन देन हुआ है, कभी इससे रिश्तेदारी रही है। सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, तमाम कवानीन है कि बंदा कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे ऊपर खुदा नाराज हो। खुदा की नाराजगी कोई मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ जबान से अदा करने वाले फिक्रे नहीं हैं। नहनु अकरमु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो आपकी शारंग से करीब है, वो आपके दिलों में बैठा हुआ है। एक गवाह मैंने पेश किया, मोहम्मद नवाज साहब फौत हो गए, उन्हें ये ओथ दिया गया तो जिरा होने लगी, तो उसने कहा कि इतना बड़ा ओथ लेने के बाद तो मुझ पर जिरा नहीं होनी चाहिए, मुझे बिलीव करना चाहिए। अफसोस है इस सोसाइटी पर जिसके कार पर्दाजान में हमारा भी हाथ है और बहुत सारा हाथ है, कि हम गवाह को डांटते हैं कि तुम्हें जो समझाया गया था वो क्यों नहीं बोला। तुमने अपना केस खराब कर लिया। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किस से मुनसफी चाहें। ला तक तो मुशहादा पर अमल कौन करता है। इसके सिवा न सिविल केस चल सकता है, न फौजदारी केस चल सकता है, बल्कि कोई केस भी नहीं चल सकता। क्रिमिनल लॉ मेरा मौजू सदर मोहतरम ने तजवीज़ फरमाया, मैं इधर उधर ना चला जाऊं। क्राइम जब से दुनिया बनी है साथ ही पैदा हुआ है। हाबील से काबील का कत्ल कायनात का पहला वाकया है। और उसके बाद रहती दुनिया तक क्राइम खत्म नहीं होना। क्राइम ख्वाब यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकन एरिया हो या अरेबियन स्टेट्स हो, किसी जगह ख़त्म नहीं हो सकता। और थर्ड वर्ल्ड की तो ये सरिश्त है। अब क्राइम जो है वो सोसाइटी का नासूर है। बतौर फौजदारी वकील के हमें इसकी बाइबल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 1000 दफा मैजिस्ट्रेट्स के अख्तियारात का जिक्र हुआ है।
और 300 मर्तबा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जिक्र हुआ है। इन्वेस्टिगेशन और क्रिमिनल लॉ, ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर कोर्ट्स ना होती तो ये पुलिस है सोसाइटी को खा जाती, और अगर वकील की मुअस्सर रहनुमाई हासिल हो तो मैजिस्ट्रेट ऐसे आर्डर पास करेंगे जिससे पुलिस के कई मुकदमे एट द वेरी इंसेप्शन खारिज हो जाए। अभी चंद दिन ही पहले मुझे एक मुकदमा मिला कि एक छोटे से बच्चे के साथ किसी ने बदफेली की और फिर पुलिस बी डिवीजन ने गोली चला दी और वो मर गया। उसकी इब्तदा क्या थी, टेलीग्राफिक एक्ट के तहत पर्चा दर्ज हुआ। खुदा भला करे जो विजिट पर गए जेल में जज साहब, उन्होंने रिपोर्ट दाई देखी, उसमें से तो वो मुल्जम बनता ही नहीं था, उन्होंने वहीं छोड़ दिया। वो बाहर आया और उसने जमा तलाशी वाली चीजें लेने के लिए थाने पर गया, मारा गया। मैं सोच रहा था कि उस दिन जज साहब या मैजिस्ट्रेट साहब जेल ना गए होते तो फूलों जैसा मुस्कुराता हुआ गरीब का बेटा इस तरह ना मारा जाता। मुझे हैरत यह हुई कि जिन्होंने उसे जुडिशल रिमांड पर भेजा उन्होंने एफआईआर तक नहीं पढ़ी। फिर वो रिमांड का पीरियड जो जुडिशल रिमांड का था उसके बाद आया तो डायरेक्शन दे दी कि 173 की रिपोर्ट पेश करें। ये तो खुदा भला करे किसी दर्द दिल रखने वाले जज साहब का कि वो जेल चले गए और उसे छोड़ दिया। ऐसे कई केसेस हैं जो निप द इवल इन द बड है। देखिए क्रिमिनल लॉ जजा और सजा, अक्विटल और कन्विक्शन का लॉ है। ये बहुत लिबरल लॉ है, ये अक्विटल को इनकरेज करता है, कन्विक्शन को डिस्करेज करता है। पहली जुरिस्प्रूडेंशियल प्रिंसिपल ही ये है क्रिमिनल लॉ का कि अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट अनलेस कन्विक्टेड। सबसे पहले डिफेंस काउंसिल को ये प्रिविलेज हासिल होता है का फरमान है कि मेरी उम्मत को सजाओं से बचाओ। कुरान का हुक्म है अदल बिल एहसान, अदल बिल जुल्मान नहीं है, बिल एहसान के बार बार अल्फाज हैं। एहसान से मुराद हुस्न खूबी के साथ। क्रिमिनल लॉ पर मैं बात कर रहा हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रहम दिल, कितने फराख दिल, कितनी कायनात की बीकन लाइट थे कि औरत ने आकर कहा कि मैं बुरा कर बैठी हूं, मुझे पाक कीजिए। आपने अगमास फरमाया। उसने दोबारा कहा, आपने ये 60 लाहौर में रिपोर्टेड केस में इस हदीस का जिक्र मौजूद है। कमीशन मुकर्रर फरमाया कि मालूम करो ये हिस्टीरिक तो नहीं है,
ये जिंदगी से बेजार तो नहीं है, इसको कोई नफ्सियाती मसाइल का शिकार तो नहीं है। इतनी बड़ी सजा पर इतनी बड़ी तहकीक करना, ये उस निजात दहिंदा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। जब सजा होती है तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस खत्म हो जाती है। अब क्रिमिनल लॉ में सबसे बड़ी अजियतनाक सूरत यह है कि अपील अगेंस्ट अक्विटल इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जितना प्रेसिडेंटल लॉ है उसमें मैंने बहुत मेहनत करके 4-5 जजमेंट मुझे मिले हैं सिर्फ पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक, जिसमें अक्विटल टर्न डाउन की गई है। ये जो मुहासबा है, नजरसानी है, ये ट्रैक को दुरुस्त रखने के लिए है। क्रिमिनल लॉ में मैं साबिक रियासत बहावलपुर की एक मिसाल दूंगा। तरक्की जज साहबान की किस बिना पर होती थी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास एक प्रोफार्मा होता था, अपील में वो ऑब्जर्व करते थे कि जो ऑर्डर मैं सेटिसाइड कर रहा हूं वो 50-50 इधर और उधर हो सकता था या ऑल टुगेदर अनसस्टेनेबल था। क्या उससे कोई बद्यांति की बदबू तो नहीं आती थी? ये पर्चा बगदादुल जदीद हाई कोर्ट में दाखिल हो जाते थे, उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होती थी। अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज साहब की ACRs ली जाती हैं और बाकी कोई तकल्लुफ नहीं किया जाता। लॉयर्स में से जजेस लिए जाते थे, प्री पार्टीशन एक लॉयर को बुलाया गया कि हम आपको इंडक्ट करना चाहते हैं, तो कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत कर दें। उन्होंने दस्तखत कर दिए, उसको देर हो गई, वो रजिस्ट्रार से पता करने आया कि उस केस का क्या बना। उन्होंने चीफ साहब को बता दिया, उन्होंने कहा सारी लिस्ट वापस बुलाओ, इसका नाम काट दो। जो शौकीन है कि मैं जज के मनसब को हासिल करूं उसको जज नहीं बनाया जाता। अलामा इकबाल का नाम गया तो चीफ जस्टिस ऑफ यूनाइटेड पंजाब ने कहा ही इज मच नोन एज ए पोएट, लेस नोन एज ए लॉयर। ही वॉज नॉट टेकन। तो ऐसी ऐसी मिसालें हैं। हजरत इमाम अबू हनीफा, खलीफा ने चाहा कि काजियुल कुजात का मनसब संभाल लो, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑफिस। उनने कहा कि अबू हनीफा आप क्यों इनकार कर रहे हैं, आप तो इसके अहल हो। उनने कहा मैं तो इसका अहल नहीं हूं। आपने खलीफा ने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, आप इसके अहल हैं। उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी खामी आपने खुद मान ली कि मैं झूठा हूं, झूठे को जज नहीं होना चाहिए। बिलाखिर वो फिका हनफी है, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ की फिका का नाम।
इमाम यूसुफ को पेश की गई। इमाम यूसुफ ने कहा मेरे उस्ताद ने नहीं माना तो मैं कैसे मान सकता हूं। खलीफा ने कहा कि आप मशवरा कर लें। इमाम साहब ने कहा बन जाओ नहीं तो कोई बद्दयानत शख्स बन जाएगा, कौम की खिदमत करो। तो उनके हुक्म पर उन्होंने कबूल कर ली। अब हमारे क्रिमिनल लॉ में बहुत आसानियां हैं। सेक्शन 154 से हमें यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज लाहौर में CRPC का आगाज कराया गया, लॉजमेंट ऑफ FIR एंड कॉग्निजेबल केसेस। अब FIR इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ क्रिमिनल लिटिगेशन, ऑल्दो इट इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, येट इट मूव्स द मशीनरी ऑफ क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। इस FIR की अहमियत क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये आप हजरात को उसके पढ़ने से अंदाजा होगा। और फिर उसमें कैटेगराइज किया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हमारा जज मेड लॉ एवर सिंस 2 decades बिफोर सुगरा बीबी केस, वो कहते हैं FIR हो भी जाए जब तक मटेरियल फॉर अरेस्ट रिकॉर्ड पर ना आए उस वक्त तक उसमें अरेस्ट ना करो। अरेस्ट तब करो जब मटेरियल ऑफ अरेस्ट हो। लेकिन इस मुल्क का बाबा आदम निराला है, कहा यह जाता है कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन, अंग्रेज मुकाबिल हो तो औलाद है मोमिन। जब पुलिस दरवाजा खटखटाती है तो बड़े बड़े आदमी चूहे बन जाते हैं। इज्जत और आबरू को की हिफाजत करने वाला एक इदारा है, वो है जुडिशरी। अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेसली आफरीदी केस से सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कर दी। उस वक्त से अब तक हमारे फाजिल मैजिस्ट्रेट साहबान सिविल का काम भी कर रहे हैं, क्रिमिनल वर्क भी कर रहे हैं, और क्राइम में वो ज्यादा मदद कर सकते हैं गरीब गुरबा मसाकीन और बेगुनाह लोगों की। जिस केस में रिमांड का कोई गुंजाइश ही ना हो वहां 169 इज देयर के उनको फारिग कर दे। रिकवरी का क्वेश्चन देखना यह है कि रिकवरी किस किस्म की है। आसाइश पैदा करो, गुंजाइश पैदा करो, सख्ती ना पैदा करो। ये लॉयर्स का भी काम है, हमारे फाजिल जज साहबान का भी काम है। जैसे आज का बच्चा कल का बाप है, आप कल के जजेस हैं। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है शाही का जहां और। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अजां और मुजाहिद की अजां और। आप मुजाहिदाना अजान दें,
मैं हमेशा कहता हूं, डोंट बी डिसकर्टियस बिफोर द कोर्ट्स बट डोंट बी मोस्ट ओबीडियंट बिफोर द कोर्ट्स। यू मस्ट बिहेव मॉडरेटली एट द विम्स एंड विशेज ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। यू हैव नॉट टू मेक एनी स्टेटमेंट। हमें लॉ मूट्स में पढ़ाया जाता था, नेवर एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ द कोर्ट। वो कहेंगे बहुत जिरा हो गई, खत्म कर दें। आपको पता है अभी तो आपने दो इश्यूज पर बहस जिरा सवाल ही नहीं किए। आपने अपने केस को अपने मुताबिक उसको चलाना है। जज साहब इश्यूज निकालते हैं और जजमेंट लिखते हैं। वकील एक जज भी है, प्लीडिंग लिखता है, जवाब दावा लिखता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, कौन सा सवाल पूछना है। और आई टेल यू कि हूसोएवर कंडक्ट्स द क्रिमिनल केस ही मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए वेरी डेलिकेट स्टेज। उसमें यह है कि विच क्वेश्चन हैज नॉट टू बी आस्क्ड। ये ना हो कि आप वो सवाल पूछे जो आपकी गर्दन में पड़ जाए। यहां इकबाल नारो साहब सिविल जज थे, मुर्तजा भट्टी साहब एक केस में पेश थे। उन्होंने कहा, बाबा तू जिस वक्त बयान दे रहा था ये मुदई यहां खड़ा हुआ था ना। उसने कहा हां। फिर उसने कहा कि तू बहरा तो नहीं है। उसने कहा मैं बहुत बहरा हूं। जज साहब ने कहा आपने एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से दे दिया। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, लेकिन कोर्ट्स ने अपनी जांफशानी के साथ जो प्रिंसिपल्स इवॉल्व किए हैं सुपीरियर कोर्ट्स ने, वो बेनिफिशियल इन कंस्ट्रक्शन है। Unless and until offense is proved, only then conviction is the proper wages of the offense. Benefit of doubt क्या है? Cross version क्या है? Juxtaposition में देखना क्या है? ये तमाम क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस के उसूल हैं। 540 क्या है? री एग्जामिनेशन, री क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। 491 कैसा है? आप लर्नेड सेशन जज को मूव करें, हेबियस कार्पस के मुलजमान को पेश करवाया जाए। मैं आज की इस पुरवकार तकरीब की रियायत से मुझे शिकायत तो नहीं है ना इल्म है, सेशन जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने रूल निसी के आर्डर जनाब करते हैं उसमें ये चेक कर लिया करें कितने कामयाब होते हैं, कि कहीं ये बेलिफ लीक आउट तो नहीं करते। ये बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन होता है, उसमें बच्चों की कस्टडी के मामलात हैं, कितने सेंसिटिव हैं। और फिर लॉ ने अमेंडमेंट करके 22A(b) आपको दे दिया, उसके नतीजे में आप का कोई केस दर्ज रजिस्टर नहीं हो रहा, आप एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस से उसकी रिलीफ ले सकते हैं। सबसे परेशान कुन सूरत इस वक्त इस खित्ते में नहीं पाकिस्तान में ये है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पेरेड दैट इज नेवर एवर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अक्यूज्ड इज अरेस्टेड सम फ्यू डेज बिफोर
ही इज शोन टू द विटनेसेस, फिर उनको बुर्का पहनाकर रिमांड के लिए पेश कर दिया जाता है, जेल में दाखिल कर दिया जाता है, फिर वहां से मंगवाया और फिर भेजा जाता है। फिर जजमेंट्स ये है कि रोल भी बताएं कि इसने क्या किया, इसके बावजूद इंसान कुछ सोचता है, कुदरत कुछ सोचती है। मैंने कई केस किए, एक मलिक दोस्त मोहम्मद साहब के साथ भी था, पहचाने हुए मुल्ज़िम, लेकिन वहां जाके बंदा भूल गया। ये निशान किसने दिया, ये आंखों में नूर किसने दिया, ये गोली मेरे कान से इधर कैसे गुजर गई। मैं जिंदगी की खुशहालियों में क्यों बच गया। दिल्ली में रहने के जजमेंट्स भी हमारी हाई कोर्ट ने दिए हैं और फिर उनको मिटाया भी है। परवेज मुशर्रफ को आईनी तरामीम देने का अख्तियार भी हमने दिया है, फिर इफ्तखार चौधरी की गाड़ी को धक्के भी हमने लगाए हैं। एक क्लास है जिनकी सरपरस्ती शुक्र है कि जुडिशरी भी करती है, जो विफाक पूरे की अलामत है वो है काला कोट और काली टाई। कोयटा से लेकर खैबर तक पाकिस्तान की आन पर कोई लफ्ज आए, तड़प उठता है तो वकील। खुदा इनके इस जज्बे को कामयाब, कामरान और ताबिंदा और पाइंदा रखे। ये निजात क्या के जमानत जामिन हैं। मैं मौजू से तो हट गया, चूंकि मैं फ्रीलांसर किस्म का वो हूं। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इस पर लंबी बात नहीं करना चाह रहा, सदर साहब कह रहे हैं टाइम बहुत हो गया है। जो चौधरी इफ्तखार साहब की मूव के बाद उन्होंने लॉयर्स को अपना हल्का इंतखाब बनाने की कोशिश की, फीस मुकर्रर करके उनसे एविडेंस लिखवाने का काम स्टैट्यूट में ले आए, उस वक्त से अब तक रीडर ने लिस्टें लिखी ली हुई होती हैं कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लेकिन क्रिमिनल लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है। सीआरपीसी में 356 के तहत कोर्ट हैज टू
राइट डाउन द एविडेंस बाई हिज ओन हैंड। अब तक एएस सलाम साहब जो चीफ जस्टिस भी रहे लाहौर हाई कोर्ट के, फेडरल सुप्रीम कोर्ट के भी, फेडरल ओम्बड्समैन भी रहे, उनका एक जजमेंट है कि द जुडिशल ऑफिसर हु डज नॉट राइट द एविडेंस इन हिज ओन हैंड ही कमिट्स फोर्जरी इन द जुडिशल रिकॉर्ड। लेकिन वो क्रिमिनल प्रोसीजर के सिलसिले में थी। सलमान आसिफ साहब के पास मैं पेश था, इन्होंने सिविल केस में सारी एविडेंस अपने हाथ से लिखी और कहा कि कैसे किया जाए। मैंने कहा ऐसा होता है कि जजेस की तादाद बढ़ा दें, बेसिस ऑफ केस जो है वो तो एविडेंस है, एविडेंस तो तबाह हो जाती है। जहां एविडेंस तबाह हो गई वहां केस क्या रहा, कटेगा जाट का सीखेगा नाई का। उनका क्या जाएगा? तो हमें ओवरऑल अपने जुडिशल सिस्टम को रिहैबिलिटेट करना है, उसमें लॉ रिफॉर्म्स लानी हैं, उसमें डिमांड्स देने हैं कि हमें इस तरीके से इंसाफ के इदारों को मजबूत करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम हजरात का कि आपने नहायत पेशेंस, एहतराम, मोहब्बत और मुझे कबूल करते हुए मेरी टूटी फूटी चीज़ें समाअत फरमाई। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब रईस मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब।